आदाब नाजरीन सियासत टी वी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के भी जानी इस्तकबाल करता हूँ ये चाँद और सितारे तो एक बहाना है कि ये चाँद और सितारे तो एक बहाना है कुछ और है जो यहाँ चमकने वाला है नाजरीन आज हैदराबादी सितारे के मेहमान ताल की दुनिया का पुरूर सितारा उस्ताद सरदार खान हैं जिन्होंने आठ साल की कम उम्री से अपनी उंगलियों का जादू जगा कर के अफ पर तबले का कमाल दिखाया और लाखों शायकन का दिल जीत लिया और वो कई बड़े कंसर्ट में गजल की दुनिया के मजे हुए फनकारों के साथ तबले पर संगत की वाज है कि उस्ताद सरदार खान ने अपने वालिद जनाब उस्ताद सुबहान खान मरहूम से तबले की तालीम हासिल की उसके बाद उनके एक और गुरु जनाब शब्बीर निसार साहब ही रहे विरासत से मिले इस फन की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए अपना हक़ अदा कर रहे हैं उस्ताद सरदार खान की उंगलियों का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो सुनने वाले बे अख्तियार दादो तहसीन देने लगते हैं बैरूनी ममालिक में शायक ने मौसी को एक से बढ़ कर एक नायाब तबले के रंग दिए और फिर अनगिनत परफॉर्मेंस के जरिए उस्ताद सरदार खान की शोहरत में इजाफा होता गया तो आइए मुलाकात करते हैं तबले की दुनिया का जाना माना नाम उस्ताद सरदार खान क्या बात है शुक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त गज़ब की पेशकश थी आ, बड़ बड़। आपका बहुत बहुत ख़ैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में आप आए बड़ी खुशी हो रही है बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको आदाब और नमस्कार जितने भी मेरे चाहने वाले जी शुरुआत सरदार खान साहब कहा जाए तो रोशन चरा हो आप अपनी विरासत के कितनी ज़िम्मेदारी आप महसूस करते हैं बहुत ज़िम्मेदारी होती जानी भाई इसमें तबला जैसा मेरी शुरुआत मेरे फादर से हुई उस्ताद सुबान खान साहब उन मेरे फादर के उस्ताद उस्ताद मोहम्मद खान साहब तो बाबा जो मेरे को ट्रेनिंग शुरू करे तो बेटा समझ के नहीं एज ए फ्रेंडली बजा लो बेटा ये कर लो रियाज कर लो जो जो छोटे चीज़ें थे अच्छा। और ज़्यादा मेरा बचपन से क्लासिकल में मन था नहीं अच्छा दिल ज्यादा नहीं लाइट के गज़ल्स वगैरह जब कैसेट्स थे सुनते थे हम लोग महदी हसन साहब गुलाम अली साहब के तारी साहब का तबला तो वही मेरे को शौक़ ज़्यादा हो गया था अच्छा गज़ल सुनने का बजाने का अच्छा फिर मेरे फादर बिठल राव साहब मशहूर गज़ल सिंगर उनके साथ बजाते थे मेरे फादर अच्छा तो जब मैं छः सात साल का हुआ तो मुझे बिठल राव साहब के पास वहाँ लिख जाके बोले राव साहब मैं इसको तबला शुरू कराया हूँ आप बाकी का आप देखिए इसको तैयार करिए तो गज़ल में वहाँ सीखा बजाना शुरू करा वहाँ से मैं गजल कैसा बजाते क्या गज़ल का अंदाज़ होता वहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई देखा जाए तो सरदार खान साहब संगीत की तालीम का जो सिलसिला शुरू होता है उस बारे में हमें बताइए क्योंकि आप बहुत ही कम उम्र से आप संगीत की तालीम ले रहे हैं तो क्या उम्र रही होगी छः साल छः साल छः साल।, साल की उम्र थी बेसिक शुरू कराए बाबा तबले के जैसे जैसा गाने में सरगम होते हैं। तबले अच्छा। में जैसा ये बेसिक चीजें मगर बहुत बड़े चीजें हैं जैसे अच्छा। धाता तिरगिट धाधा तन्ना धाधा तिरगिट धाधा तिन्ना जैसे कायदे होते धाति धागे जैसा धाते, थी, धाते थी। ये बेसिक चीज शुरू कराए ये रियाज करते हुए गए और बाकी लगी चाटी का भी रियाज अपना अलग होता गज़ल में जो बस्ती संगत होती अच्छा वगैरह अच्छा जी आ, वैसे सरदार खान साहब आपने अपने वालिद मोहतरम से जी फ़न की बारीकियाँ सीखी जी लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा वो ये कि गुरु और शिक्षक आप कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में मेरे बाबा का मैं शागिरद भी था बेटा भी था तो शागिर्द भी समझ के सिखाते थे बेटा भी समझ के सिखाते थे, थे अच्छा हाँ ऐसा कर लो बेटा ऐसा इसको कर लो आपके लिए अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा रियाज करो इसको ऐसा करो संभालो इसको गज़ल के बारे में बताते थे ऐसा बजाना अच्छा। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ ना जानी भाई जी, जी। पहले की जो संगत थी वो डिफरेंट थी फिर आपका माहौल थोड़ा बदलते गया बदलता गया तो तबला भी थोड़ा चेंज हुआ नहीं लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भाई आपने अपने वालिद मोहतरम से ये संगीत की तालीम हासिल की जी चूँकि जो वालदे होते हैं अपने बच्चों को लाड़ो प्यार के साथ जी वही नज़र से सिखाते भी हैं तो कभी कभी पेशी भी आ जाती है तो क्या मामला था उस बारे में बताइए क्योंकि आपके वालद मोहतरम जब आपको सिखा रहे हैं अगर आप सीख नहीं पाते या कुछ गलतियां कर बैठे हैं नहीं प्यार से ही सिखाते थे जानी भाई कुछ ज़्यादा ऐसा गुस्सा करने वाले फादर नहीं थे मेरे अच्छा प्यार से मोहब्बत से सिखाते थे काफी भी थे उनके अच्छा उनको भी प्यार से ही सिखाते थे, थे बेटा बना के तो मेरे को भी प्यार से सिखाए अच्छा ऐसा कोई ज्यादा गुस्सा करना के मैं बड़ा आदमी हूँ ऐसा जताना ऐसा कुछ भी नहीं था अच्छा नहीं था सीधे साधे लोग थे बिल्कुल अच्छा अगर पहला परफॉर्मेंस अगर आप याद करते हैं तो किस उम्र में आपने स्टेज पर परफॉर्म किया होगा मेरे बाबा साहब के साथ बजाते थे जब हाँ हाँ तो रविंदर भारती में एक शो था जिसमे सुलिंदर साहब आए थे अच्छा फिल्म तो, स्टार हाँ सुलिंदर साहब अच्छा तो उसमें मुझे बाबा लग गए थे तो साहब को बोले इसको भी मैं तबला शुरू कराया राव इसको एक है। तो साहब जब एक भजन गाए थे अल्लाह तेरह नाम अच्छा अल्लाह तेर नाम ना। इस पे बजाया था मैं अच्छा पहला मेरा परफॉर्मेंस शुरू किया था माशाल्लाह जब से आप तब तो तक लगे हुए <laughs> वैसे तो आपके पहले गुरु जो है आपके वालिद मोहतरम थे जी और किन किन गुरुओं का साथ रहा उस बारे में उस्ताद निसार साहब अच्छा दाऊद साहब शेख दाऊद खान साहब के जो बेटे हैं अच्छा तो मेरे फादर और उस्ताद दाऊद खान साहब गुरु भाई अच्छा गुरु भाई में एक ही के शागिरद थे अच्छा दाऊद खान साहब तो बहुत बड़े खान साहब ना दुनिया के माने जाने अच्छा आ, तो उनके लड़के हैं शे उस्ताद वो भी बहुत बड़े उस्ताद है दुनिया के अच्छा उनका भी शागिदी बना में बन अच्छा। तो गया जानब भाई लेकिन टाइम नहीं मिला ज्यादा सीखने का अच्छा। क्लासिकल तो बहुत है साहब के पास अच्छा लेकिन हम भागम दौड़ी में ये लाइट म्यूजिक में वक्त नहीं दे पाए ज्यादा क्लासिकल अच्छा इतना लेकिन एक बात है कि आपके घराने का जो बाज है उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए वैसे तो आप लाइट ही सीखा है और लाइट बेसिकली क्लासिकल भी थोड़ा सीखा है अच्छा घराने में। बाबा दिल्ली घराने के भी शागि थे अच्छा। पे। अच्छा। दिल्ली घराना मिंस दो उंगली का बाज अच्छा जो बहुत मुश्किल होता अच्छा। जैसा ये फायदा दिल्ली वालों का... का इस्तेमाल दो उंगली का इस्तेमाल दिल्ली घराने वाले स्पेशली ये कायदे उनके ये स्पेशलिटी दिल्ली घराना ले। अच्छा सब दिल्ली घराना है पूरब है अच्छा लखनऊ बहुत घराने ज्यादा है तो वो ज्यादा हम उसमें डिटेल में गए नहीं लेट अच्छा। म्यूजिक की तरफ रहता जैसा गजल हो गई और ठुमरी दादरा अच्छा भजन फोक गीत इसमें ही ज़्यादा टाइम हमारा चले गया अच्छा। मेरा ज्यादा उसमें टाइम गया बजाने में लाइट चीज़ों में नहीं लेकिन सरदार खान साहब क्या वजह रही होगी कि आप क्लासिकल की तरफ रागिब नहीं हुए या फिर आपने जैसे ही सीखा अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टेज का सहारा लिया और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बजाना शुरू किया मेरा दिल नहीं था पे उसमें ज़्यादा मन होता ना ज़्यादा क्लासिकल में नहीं था ज़्यादा दिल क्लासिकल तो बहुत बड़ी चीज़ है ज़्यादा मन नहीं था अब इसमें घूमने लग गए जाने लग गए दुनिया फिरने लग गए तो इसमें ही लगे रहे पूरा अच्छा आ, गजल गीत भजन ठुमरीदास इसमें ही रहे बस नहीं आप तो उस्तादी घराने से हैं अलहमद तो ये सारी चीज़ें तो आपको सीखनी चाहिए थी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल <laughs> सही है सीखना चाहिए ज़रूरी है मगर अब वो टाइम नहीं है जाने भाई अच्छा। सीखने का अगर सीखना होता तो वही उम्र से शुरू करना था अच्छा छः सात साल की जो एज होती ना उससे ही शुरू करना अब अब तो टाइम नहीं है उतना नहीं मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि कमर्शली लेवल पर क्लासिकल की उतनी ज्यादा मांग नहीं है जिसकी वजह से लोग लाइट की तरफ ही आते हैं सीखते हैं और फिर अपना काम चला लेते चला हैं नहीं। लाइट का ही ज्यादा बोलबाला हो गया नहीं नहीं आप क्या कहेंगे ये बिल्कुल वजह है सही बात है आप ज्यादातर लाइट पर ही ध्यान दे रहे लोग अच्छा दादरा गजल फ्यूजन भजन यही चल रहा ज्यादा आजकल आप भी तो देखते ना बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।, बिल्कुल।, बिल्कुल। नहीं लेकिन क्लासिकल लोग सीखना नहीं चाहते या फिर उसकी बारिकियाँ सीखना तो चाहते जाने पर उसको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता अच्छा ज़्यादा टाइम देना पड़ता सीख सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है डिपेंड करता रियाज पे अच्छा कितना आप रियाजी हो और गुरु को आपके कौन हैं अच्छे सिखाने वाले डिपेंड उस पर करता जो अच्छा उस्ताद होगा सिखाने वाला तो उससे ही तालीम आपको मिलेंगी तो आप कुछ कर सकेंगे उससे अच्छा हाँ अच्छा बड़े लोग ये बात रहती है चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे नाजरन के लिए कुछ और चीजें जो आप जी देखिए तो जैसे ठेके लगते थे पहले जैसे पूरे मेरे फादर बजाते थे कहरवा अच्छा थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ इसमें अच्छा जबरदस्त शुक्रिया <laughs> अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा आपने दुनिया भर की सैर की मुख्तलिफ अलग अलग ऑडियंस आपको मिली है तो उस बारे में बताइए शुरुआत मेरी बाहर जाना पंडित पिठलाओ जी के साथ हुआ अच्छा कनाडा लंदन यू एस ए एक दो बार नहीं चार पाँच बार अच्छा तो बहुत अच्छी ऑडियंस वहाँ की सुनने वाली यहीं की लोग हैं कुछ लोग वहाँ के हैं लेकिन ऑडियंस बहुत अच्छी वहाँ के सुनने वाले लोग अच्छा बहुत क्रीम गैदरिंग और आपको तो पता है यहाँ के तकरीबन लोग बाहर शिफ्ट हो गए अच्छा तो बहुत अच्छी ऑडियंस आपको अभी बाहर भी मिलेंगी अच्छा गज़ल सुनने के लिए तबला सुनने के लिए मेरी खुश नसीबी वहाँ बिठल साहब के साथ गया मैं तो एक बहुत बड़े कंपोज़र है वहाँ पर अच्छा सुहेल राणा साहब जिसकी गज़ल सारी दुनिया गाती आज जाने की जिद ना करो बिल्कुल तो आपकी दुआ से उनके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला अच्छा उनकी रिकॉर्डिंग में तबला बजाया मैं अच्छा हाँ बहुत खुशकस्मत समझता आपने आप अच्छा तो बाहर काफ़ी लोग मिले उस अब्बास साहब जो बड़े गज़ल गाने वाले अच्छा उनके साथ यू में शिकागो में बजाने का मौका मिला मिलने का मौक़ा मिला अच्छा काफ़ी आर्टिस्टों के साथ भी बजाया वहाँ पर मैं हाँ हाँ तो वहाँ का जो गज़ल पेश करने का रंग और वहाँ की टेस्ट के हिसाब से किस तरह आप लोग सेलेक्ट करते थे गज़लें जानी भाई वहाँ हर किस्म के लोग हैं लाइट भी सुनने वाले हैं क्लासिकल गज़ल सुनने वाले भी लोग हैं गाड़ी चीज जिसको बोलते हैं ना बड़े शायरों को भी सुनने वाले हर किस्म की गैदरिंग आपको वहाँ मिलेगी अच्छा अच्छी से अच्छी ऑडियंस आपको मिलेगी वहाँ पर अच्छा। बहुत प्यारे लोग हैं नहीं जब इतनी अच्छी ऑडियंस आपको मिल रही है तो आप ही ने बताया कि मैं क्लासिकल की तरफ ज़्यादा गहराई से नहीं गया मैं बहुत ज़्यादा क्लासिकल में डूबा नहीं होगी वो सीखने के लिए तो कितनी दिक्कतें आती थी होंगी आपको नहीं, कोई... तो नहीं आती थी भाई क्योंकि गजल का ही मामला था ना अच्छा कुछ सोलो परफॉर्मेंस थोड़ी करा अच्छा। पर कोई भी लहर हो राव साहब के साथ सिखाए राव साहब ऐसा बजा तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं अच्छा आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ों के साथ भी आप गजल ठुमरी दादा बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें अच्छा लाइट का ही परफॉर्मेंस दिया अच्छा हाँ लेकिन ऑडियंस बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ऑडियंस बहुत अच्छी ऑडियंस क्या बात है आ, एक से एक लोग थे अच्छा और यूएस का सहरा भी हमारे इफ्तार शरीफ साहब जी जी हाँ पहले मेरे, मेरे को जो विजिट के करवाए विठल राव साहब के साथ परफॉर्मेंस वीजा दे के अच्छा ये मैं आपको नाइनटी नाइन की बात बता अच्छा हाँ इफार शरीफ साहब अच्छा पूरा पूरा यू का टूर कराए अच्छा और काफी पब्लिसिटी हमारी वहाँ पर करवाए पेपर्स में टी में बहुत अच्छे टूर करवाए साहब मेहरबानी उनकी बहुत बहुत जी 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 दुआ मैं वही जानना चाह रहा था कि भाई आपने इतने अच्छे अच्छे मकाम पर शो पेश किए और किन लोगों को आप याद करना चाहते हैं तो उनमें सबसे पहले इफ्तार शरीफ साहब शरीफ साहब और आई के लंदन वाले इकबाल अली खान साहब अच्छा जो हमको लंदन बुलवाए थे अच्छा बड़ा अच्छा एक महीने का टूर करवाए थे तो लंदन भी आपने विठल राव साहब जितने बाहर के टूर्स किया राव साहब अच्छे साथ किया न्यूज़ीलैंड अच्छा यू एस ए कैनेडा सब सारे सुर पंडित जी के साथ ही किया क्या बात, बात है तो बहरहाल बहुत सारी आपसे हम गुफ्तु भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सुनने भी बाकी है तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद नाजरीन सियासत टी वी की ताज़ा तरीन खबरें मुशायरे मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टी वी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें वकफ़े के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं तबली की दुनिया का जाना पहचाना नाम उस्ताद सरदार खान साहब जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप देखते हैं दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है आज हमारे साथ मौजूद है वकफ़े से पहले आपने बताया फ़न की बारीकियों के बारे में और उसी में आपने ज़िक्र खैर ये किया कि क्लासिकल से आपका ज़्यादा लगाव नहीं रहा जिसकी वजह से आप क्लासिकल की तरफ रागिब नहीं हो। नहीं हो। अगर ऐसा हो तो क्या क्लासिकल जो बजाने वाले हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे नहीं नहीं जाने भाई धीरे धीरे कम नहीं काफ़ी लोग बजाने वाले हैं नहीं आपने बताया कि इसके लिए वक्त देना पड़ेगा ज़्यादा देना पड़ता मैं अच्छे बजाने वाले हैं जैसा मेरे गुरु भाई छोटा उदय कुमार है अच्छा पवन भाई है अच्छा ये लोग सब अच्छा बजाने वाले लोग हैं क्लासिकल भी बजाते फ्यूजन भी बजाते अच्छा अच्छा हाँ मैं ज़्यादा कर नहीं पाया उसको अच्छा चाहता तो ये नहीं कि कर सकता था लेकिन ज्यादा बिजी हो गया अच्छा हाँ टाइम नहीं दे सका ज्यादा वक्त बहुत मांगता म्यूजिक चाहे गाना हो या तबला हो वक्त तो बहुत मांगता रियाजत बहुत मांगती अच्छा तो सीधी सीधी बात प्रोफेशनल में आ गए कमाने के लिए तो हो, हो, क्लासिकल को बोले भाई अपना ये काम चल रहा है इससे चला ले अच्छा इसका मतलब ये हुआ आपने जितना भी सीखा है प्रोफेशनली लेवल पे वही चीजें चल जी, चल पड़ी और आप चलते रहे बिल्कुल बिल्कुल सही अलहदिल्ला बहुत अच्छी जी. बात है अच्छा अगर हम जिक्र करें गजल और कवाली के बाज के बारे में उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जरूर बताओ का बाज थोड़ा डिफरेंट होता अच्छा जैसा अब आप सुने होंगे दमा दम या छाप तिलक सब चीनी इसमें अच्छा। थोड़ा थोड़ा जैसा स्टाइल अलग हो जाता छाप तिलक तिलको बाद में थोड़ा डिफरेंट हो जाता अच्छा ना जरा शोर करके बजाना पड़ता अच्छा वाली स्टाइल में अच्छा गज़ल को थोड़ा नफीस करके बजाना पड़ता अच्छा साथ साथ क्योंकि संगत ऐसी करना चाहिए जाने भाई गज़ल ख़राब ना हो अच्छा आप चाहे कितना भी तैयार बजाते होंगे गज़ल के साथ जो मैं बड़े लोगों को देखा जो मेरे रूहानी उस्ताद लोग हैं अच्छा पीर बख्श साहब जो मेहदी साहब के साथ बजाते हैं तारी साहब तो जानते हैं आप दुनिया के हैं बेश जब मेरी भी खुश नसीबी थी जब शिकागो में मैं गया तो उस्ताद तारी साहब से मुलाकात हुई मेरी अच्छा बचपन से ख्वाब था ये अपने अपना ड्रीम होता तो अल्लाह तारी साहब से मिला दिया एक महफिल में वो गा रहे थे मैं बजाया उनके साथ क्या बात है फिर मैं उनका जो कैच से सुनता था तबला खान साहब को सुनाया तारी साहब को बहुत खुश हो गए जब अच्छा उस जब में मैं जब तैयार भी था तबले में माहौल भी अच्छा था रियाज था और राव साहब के साथ सात सात घंटे बजाता था तबला अच्छा हाँ जो सात सात घंटे की सीटिंग होती थी राव साहब की बिल्कुल विठल राव साहब की उसके बाद फिर अदनान सालिम साहब उनके साथ भी घूमा काफ़ी आदिल भाई वो भी काफ़ी लेके घूमे हिंदुस्तान और अपने साबिर भाई जी जी साबिर साबिर रबीब साहब उनके साथ फिर महरूम आपको याद होंगे खालिद इकबाल साहब हाँ 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 बिल्कुल महरूम उनके साथ भी बहुत सऊदी अरब वगैरह गया काफ़ी बजाया और राजकुमार रजवी साहब अनूप झलोटा सर तलत अजीज़ साहब काफ़ी लोगों के साथ बजाना बजा हाँ। संगत की संगत है। बजाना हो साथ में हाँ। बड़ी अच्छी बात है हाँ। सबसे बड़ा एजाज बेंगलुरु की बात बता रहा हूँ मैं आपको ठीक विठल राव के साथ बजाने गया था मैं तो एक प्रोग्राम होने वाला था पर एक शाम साइगल के नाम अच्छा तो उसमें मन्नाडे साहब भी थे अच्छा तो आप सबकी दुआ से मेरे को जब मनाडे साहब के साथ भी लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका भी मिला हाँ दो घंटे स्टेज पे बजाया भी मैं उनके साथ क्या बात है ये दुआएं सबकी क्या है ऐसा है अल्लाह का अच्छा सरदार खान साहब अभी जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तबले की जो मांग है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता है और लगातार आप कोई भी प्रोग्राम में सात से आठ घंटे तक आपको छः घंटे तो बजाना ही पड़ता है हाँ यहाँ पर तो उसमें कितनी आपको रियाज रियाज तो आप बारह घंटे करें तो चार घंटे तीन घंटे अच्छा बजा सकते नहीं आपने अभी बताया कि भाई जितनी ज़्यादा आप रियाज करेंगे उतना फ़न में निखार आएगा तो एक मानो में जिस आप प्रोग्राम में बजाते हैं तो वो भी एक तरह का रियाजी रियाजी हो होता परफॉर्मेंस में बजाने से रियाज भी होता क्योंकि आप मुसलसिल प्रोग्राम में लगे हुए हैं और हर प्रोग्राम में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कम से कम एक प्रोग्राम में आप सात आठ घंटे तो बजाते एक घंटे तो निकलिएगा पाँच तो छह घंटे सात घंटे उसमें एक तरह का आपका रियाज होगा रियाज भी होता एनर्जी भी लगती जानी भाई रिया, <laughs> <laughs> रियाज, रियाज के साथ तो एनर्जी का ही भी तो है ना <laughs> होता ऐसा जानी भाई एक प्रोग्राम में चार गाने वाले होते आजकल जो चल रहा तबले वाला तो एक ही है तो जो शुरू से हम बैठ के काम करते तो आखिरी तक बजाना ही पड़ता आपको बिल्कुल सही सही बात है। जरूरी है वो। सही है वो तो एनर्जी का काम भी चलिए आपने जब एनर्जी की बात कही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए कोई चीज़ आप जो एनर्जी वाली होती है अच्छा वो आप ज़रूर सुनाएं जैसा कोई सूफी चीज़ के आ, बिल्कुल सूफी क्या बात है शुक्रिया वाह 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 बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया अच्छा सरदार खान साहब आपने अलग अलग आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया है उनके साथ संगत की है जी कोई यादगार जो शो हो वो उस बारे में आप ज़रूर बताइए कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा और आपको कितना ज़्यादा चैलेंज हुआ होगा कि भाई इनके साथ बजाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई परेशानी हुई दिक्कतें तो नहीं आई जानी हुई लेकिन हर किसी का अपना गाने का स्टाइल अलग होता अच्छा हर गाने वाला तलस साहब का एक स्टाइल है राजकुमार साहब का एक स्टाइल था तो सबको समझ के बजाना वो मेरे लिए एक चैलेंज भी था सबका मिजाज अलग अलग होता गाने में तो बजाना तो मुश्किल तो सबके साथ थोड़ी थोड़ी होती ही ना इसके साथ कैसा सबका अपना अपना मिजाज होता कोई लय बढ़ा के गाता कोई कम करके गाता सबका मिजाज एक साथ नहीं होता गज़ल में सबका अपना एक स्टाइल है सबका अपना एक मिजाज है बजवाने का तो उनके हिसाब से हमको काम करना पड़ता चाहे कोई भी तबलीस हो मैं नहीं सबको अपने अपने हिसाब से मैं मेरे एक फ्रेंड थे मरहूम खुतुब बोल के डेथ हो गई उनकी मैं राजस्थानी भी ज्वाइन किया था बजाना अच्छा। तो उनका भी अपना स्टाइल होता था बड़ी ऊंची लय में गाते बजाते लोग राजस्थान हाँ बहुत पॉपुलर है है जैसा उनके केसरिया बालक जैसा घूमर उमर गाते हो लोग उनका अपना स्टाइल होता है ये उनका स्टाइल है अपना स्टाइल है सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है अपना नहीं लेकिन आपने अभी एक शिकायत की या फिर आ, अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि भाई आपने बताया कि भाई चार आर्टिस्ट अलग अलग गजल आर्टिस्ट होते हैं जी उनके साथ तबली सिर्फ सोलो आप ही होते हैं जी तो आपने जो शिकायत की है शिकायत नहीं भाई। नहीं, नहीं तो उसको मैं यहाँ पर मोहब्बत से जोड़ता हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट के आपने बताया कि गाना उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है लेकिन आप समझ के उनके साथ बजाते हैं तभी तो वो लोग आप ही को चूज करते हैं बिल्कुल। आप ही को रखते, रखते हैं तो ये आपके लिए खुशाइन बात है बिल्कुल खुश की बात है हाँ क्योंकि <laughs> देखिए हर आर्टिस्ट का मिजाज उनका गायकी उनका जो स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट होता है बिल्कुल। लेकिन सरदार खान साहब वहाँ अकलौते मोहब्बत नहीं हम बात करेंगे फ्यूजन के बारे में जी आप फ्यूजन से भी जुड़ रहे हैं अलहदुल्ला बहुत सारे फ्यूजन के भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं जी उसका कैसा तजुर्बा होता है फ्यूजन में थोड़ा क्या करना पड़ता है मॉडर्न जैसा मॉडर्नेशन करना पड़ता तबले को अच्छा ठीक थे, ठेका तो वही रहता जैसा कहरवा का है अच्छा सारी दुनिया को मालूम जैसा इसको थोड़ा मॉडर्न करना पड़ता कहरवे को ये ऐसा करके बजाना पडता जैसे जैसा उनका मिजाज होगा टेम्पो का ऐसा करके बजाना फ्यूजन में। नहीं, लेकिन जो में जितना फ्यूजन आप देखते हैं हम भी देखते हैं तो उसमें बिल्कुल तब्दीलियां आ रही है बिल्कुल दिन ब दिन बिल्कुल तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता अपने हिसाब से जैसा तारी साहब की है कहरवे को डिफरेंट अंदाज से बजाय जैसा

<laughs> आया तो करने का काम अच्छा है हाँ। हाँ, जानी जानी अच्छा। याद तो है मगर प्रैक्टिस नहीं, नहीं बजाता नहीं बजाता मैं इसलिए अच्छा हाँ खुली सी बात है ना उसमें छुपाने वाली क्या बात है बोलिए आप नहीं कभी कभी आपको ये महसूस होता होगा कि भाई काश मैं क्लासिकल सीखा होता तो सोलो परफॉर्मेंस में या कर फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स करने में आसानी होती है मगर मैं ऑनेस्टली बात करूंगा कि उधर मैं ध्यान दिया नहीं ज़्यादा अच्छा खुली सी बात है और ये भी बोलता हूँ मैं कि जो क्लासिकल लोग गाते करते ना अच्छा कभी मुझे बुलावा आता तो बोलता मैं सॉरी मैं क्लासिकल पर नहीं बजाता अच्छा क्योंकि मैं उधर मेरा रुझान नहीं है अच्छा तो जबरदस्ती क्यों करूँ मैं अपने आप से क्यों जो है उसमें खुश हूँ मैं करम है अच्छा सरदार खान साहब हम जो देखते हैं आप गायकी में भी आप बजाते हैं कवाली में भी कभी कभी अभी सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर मजा आता है पुराने फिल्मी सॉन्ग और अच्छे पुराने गजलें अच्छा आ, वो ठेके बजाने में मजा आता अच्छा जिसमें जान भी लगे ना मजा भी तो आया मेहनत मेहनत भी लगे ना नहीं मेहनत तो नहीं। आ, सारे ख़वाली में भी मेहनत है गज़ल गायकी की जो गज़ल गा रहे हैं उसमें भी बजाना तो मेहनत का मेंनत है। लेकिन पुराने गाने अच्छा बहुत है, पसंद मेरे मुझे अच्छा बजाना भी पसंद एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर सकते गानों की मगर कुछ है कि चलो कुछ कर तो लेंगे इसमें चलिए अगर आपने जिक्र किया फिल्मों का जी कोई जैसा पाकिस्ता का गाना है चलते चलते का हाँ हाँ

आ, पुराने संगीत का जिक्र किया है पुराने फिल्मों के गानों का जहां आपने जिक्र किया है जी. तो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर आपको बहुत ज्यादा मेरी पसंद बताओ आपको। हाँ अच्छा मधन ने बहुत अच्छे अच्छे तबले पर तबले पर गाने मदन मोहन साहब जी जी खयाम साहब अच्छा शंकर जयकिशन साहब अच्छा ये इनके गाने ये आपके पसंद ये मेरे पसंदीदा पसंदीदे डायरेक्टर अच्छा शंकर जयकिशन रश्मिकांत प्यरे लाल जी कैसे में रिदमेटिक गाने बनाए सुनने के गाने हैं आज भी दिमाग खराब हो जाता है कि कैसी टेक्निक से बजा गाना कैसा बजाए लेकिन लेकिन सरदार खान साहब आज का जो संगीत है आज का जो माहौल है उस बारे में आप क्या मैं गाएगी? उतना बड़ा तो नहीं हूँ मगर आप भी उसको देख रहे हैं <laughs> संगीत <laughs> थोड़ा बिगड़ भी गया है संगीत बिल्कुल <laughs> <laughs> अभी रैप आ गया है गया हाँ। सैम्पलर आ गया तबले के बजाय बिल्कुल बैड आ गया है सारी चीजें उसमें मगर कुछ भी आ जाओ जाने भाई सॉरी मैं भी थोड़ी दुनिया देखा हूँ तबले की बात किसी में नहीं आ सकती जो चारी. ये बात है वो कोई भी ये ताल, ताल ये इसमें जैसा ताल। कर सकते वो कोई भी मशीन नहीं कर सकती कितनी भी टेक्नोलॉजी करे तो वो अपना रिदम का मामला है बॉक्स है सुरती बॉक्स है लहरा मशीन है सब अपना अपना काम करेंगे ये जो नाजुक काम है ये वो मशीन पर नहीं हो सकता अच्छा वो तो करना ही पड़ेगा जैसे फिर लेकिन लोग इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हाँ, हैं हो इसको... गया ना जानी भी माहौल वैसा बन गया ना जैसा मार धाड़ का हो गया ना लेकिन आप खुश किसको ठहराएंगे किसी को नहीं भाई क्योंकि <laughs> मैं खुद को काम कर रहा हूँ जानी भाई किसको बोलिए ऑडियंस जो सुनना चाह रही तो लोग पेश भी वही कर रहे ना जानी भाई अच्छा हम अपनी मर्जी से कुछ थोड़ी कर सकते हैं पीट के ही बजाना है हमको भी महफिल में सही बात हम बहुत वहाँ पर जो है कोई सुरेला काम कर नहीं सकते अगर कोई गाना चल रहा कोई खवाली चल रहा तो वही हिसाब से बत, बजाना पड़ता सही बीच में आप उस शादी करे तो वो बोलेंगे भाई ये क्या कर रहा भाई सही है देखे ना आप भी सही बात है टीवी पे है। देखते आजकल तो मीडिया कितना हो गया सही बात तो अपने हिसाब से नहीं जो ग्रुप का काम है जो सिंगर चाह रहा वही काम करना पड़ता अच्छा अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करते हाँ अपना जो और आप कोई अच्छी गज़ल गाते हैं जैसा राव साहब के साथ मेरे पूरे आप बहुत अच्छे वीडियोस है कैसेट्स वगैरह है मैं बहुत अच्छा बजाया उसमें इतनी बात मैं बोलूँगा बजाया क्या बजवाए पंडित जी मुझे जी जी तैयार उनके साथ ही हुआ था आजकल ऑनेस्टली वैसे गाने वाले भी नहीं हैं जाने भाई आई एम वेरी सॉरी माफी चाहता हूँ मैं पहले के जो लोग जैसे थे आजकल हर जगह यही चल रहा ना फ्यूजन यूजन ही चल रहा बस पूरा भागम दौड़ी चल रही तबले में नहीं, नहीं लेकिन आपने बताया कि भाई गाने वाले वैसे वा नहीं है नहीं है। तो सुनने वाले भी तो नहीं है ना सुनने वाले भी वैसे नहीं अब बहुत फास्ट की बहुत। तरफ रागी रागी हो है इसके है लिए बहुत माफी चाहूंगा मैं ये सवाल आप मेरे से पूछे बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे दिल में था ये बोलना ऑडियंस भी वैसी अब ज्यादा नहीं है बहुत कम लोग रह गए सुनने वाले नहीं अगर ऐसा होगा तो फिर गज़ल का दौर धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा आप देखिए क्या होता आगे क्या होता हमसे बड़े लोग भी बैठे हुए बात करने वाले तो ख़त्म होते जाएंगा जानी भाई ये जैसा आप अच्छा सवाल करें ये मारधा तो आगे बढ़े ही बढ़ेगा अभी टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ते जा रही मेरे खर, ख्याल से माफी चाहूँगा म्यूज़िकतना ख़राब हो रहा ये दौर के लोग जितने अभी ना मिलिए अभी देखिए आप साठ साल का अभी गाना निकाल के सुनिए कोई जवाब ही नहीं है उसका सही बात आ, नहीं तभी तो देखिए पुराने गानों को आजकल रिमिक्स करके पेश किया जाए वही करना है जानी भाई रिमिक्स करके वो गा के जिंदगी गुजारना है अभी वो से गाने कहाँ बनेंगे बताइए आप बड़े से बड़ा वो गानों को उठा के गाता कोई जो, जो ये मुश्किल मुश्किल है मुझ्किल है ऐसे अच्छे गाने पुराने कहा मुश्किल हो जाए है। सही बात अब देखिए क्या आगे। सही है। हमारे से बड़े लोग भी बड़ी अच्छी बातें आपने बताई चलिए वक्त इस बात की इजाजत नहीं देगा कि और भी बहुत सारी गुफ्त की जा सके लेकिन आखिर में जो लोग तबला सीखना चाहते हैं तो उनके लिए उन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि अच्छे गुरु से सीखिए अच्छा रियाज करिए अच्छा बजाइए बस जी जी आजकल ये भी चाहते जानी भाई कि बहुत जल्दी आजकल लोग बहुत जल्दी में म्यूज़िक में एक दो महीने में तबला आ जाना छः महीने में गाना आ जाना कैसा आएगा चालीस साल हो गए मेरे को फील्ड में फोर्टी ईयर्स सही है सीख रहा हूँ अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ इसका एंड नहीं है ना कुछ सही बात बहुत मेहनत का काम समंदर है समंदर है।, है ये तो बड़े बड़े हमसे बैठे हुए बात करने वाले जब उनको नहीं आया तो हमको कहाँ से आएगा बताइए सही है मुश्किल है ना ये आपका बड़कपन है नहीं नहीं बड़ा नहीं, नहीं, घूम लिया घूम लिया उसके अलग बात है भी आप कह रहे हैं कि अभी सीखना बाकी आ गया तो बोल ही नहीं सकते सही बात बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं बोले डर के बैठते हो लोग कुछ गलती है तो माफ कर बोल तो हम कहाँ के बताइए आप सही बात इसमें अदब खाया भी बहुत जरूरी है जानी भाई इसमें जब अदब फायदा नहीं है गाने बजाने में तो गाना बजाने में बेकार है सही बात नहीं फुलने की तो बात ही नहीं है इसमें सही बात जितना आप झुक के काम करेंगे सीखेंगे रियाज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा दिन चलेंगे आप सही बात है। अगर ऐसा गालिए वैसा हो गया उनको कॉपी कर रहे हैं इनको तो ज़्यादा दिन टिकते नहीं वो सही है सुन के सीख के गाना सीख के बजाना वो अलग होता सुन के गाना तो फिर सुन के ही गाया जैसा लगता माफी चाहता हूँ बहुत बहुत कुछ अगर बड़ी बात कर दिया नहीं नहीं बिल्कुल तो सरदार खान साहब आप आए इतना वक्त दिया आपका बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी जी तो नाजरीन आज के लिए इतना ही और एक बेहतरीन पेशकश के साथ सरदार खान साहब आपके साथ